हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज का टॉपिक होने वाला है श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज। आज मैच 2 खेला गया हम्बनटोटा में और क्या आउटस्टैंडिंग गेम ऑफ क्रिकेट देखने को मिली। श्रीलंका ने आज वेस्ट इंडीज को आउट क्लास कर दिया और ये मैच जीत लिया 161 रन से। पहले मैं आपके साथ स्कोर कार्ड शेयर करूँ कि आज वेस्ट इंडीज ने क्या गलतियाँ की कि वो मैच हार गया। वेस्ट इंडीज ने आज टॉस जीता और श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी और इनका ये फैसला बहुत ही ख़राब साबित हुआ। श्रीलंका ने पहले बैटिंग की और 345 रन बनाए 50 ओवरों में 8 विकेटों के नुकसान पर। श्रीलंका की तरफ से फर्नांडो ने आज 127 रन की इनिंग्स खेली, मेंडिस ने 119 रन की इनिंग्स खेली, परेरा ने 36 रन बनाए और सिल्वर ने 17 रन और डी सिल्वर ने 12 रन, मैथ्यूज ने 1 रन, खुशहाल परेरा ने 0 रन और करुण रत्ने ने 1 रन। और श्रीलंका की जानब से दो सेंचुरियाँ बनाई गई जिसने मेंडिस ने और फर्नांडो ने सेंचुरियां मारी और श्रीलंका का स्कोर पहुंचाया 345 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से 4 विकेटें क्वार्टरल ने ली और अल्जारी जोसेफ ने 3 विकेटें ली और बहुत सारे बॉलर्स काफ़ी ही एक्सपेंसिव पड़े और वेस्ट इंडीज़ बॉलर्स ने उनको रिस्ट्रिक्ट रखा 345 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। जब वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग आई, वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग भी काफ़ी ही अनबैलेंस थी, उनकी बैटिंग थी। उनकी तरफ से शिरन होप्स ने 51 रन बनाए, ब्रावो ने 16 रन, चेज ने 20 रन, पुरन ने 31 रन, पोलार्ड ने 0, ओल्डर ने 3, कीमो पॉल ने 21 और 0 रन, जोसेफ ने और कॉटरल ने 0 रन और एलन ने 17 रन और वेस्ट इंडीज़ पूरी टीम बोल्ड आउट हो गई 184 रन पर और वेस्ट इंडीज़ ने ओवर खेले 39.1 ओवर। और श्रीलंका की तरफ से प्रदीप ने 2 विकेटें, सेनाकर ने 3 विकेटें, डी सिल्वर ने 3 विकेटें और मैथ्यूज ने 1 विकेट ली और श्रीलंका ये मैच आराम से जीत गया 161 रन से। आज श्रीलंकन बैट्समैन ने भी काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला और श्रीलंकन बॉलर्स ने भी अच्छा खेला। यार करुणा रत्ने श्रीलंका की टीम का एक बहुत ही बोलते हैं ना माइंड रीड करने वाला कप्तान है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि बैटिंग हम्बनटोटा में आराम से होते तो उनने ज़्यादा रन भी बनाए, अपने बॉलर्स को भी उन्हें अच्छा यूटिलाइज़ किया, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ 161 रन से हार गई और वेस्ट इंडीज़ बोल्ड आउट हो गई 184 रन पर। तो अब मेन मुद्दे की बात करें, वेस्ट इंडीज़ जो है सीरीज़ हार चुका है, वेस्ट इंडीज़ 2-0 सीरीज़ हार चुका है, लेकिन तीसरा मैच खेला जाएगा कैंडी में 1 तारीख को। तो होप फॉर द बेस्ट कि श्रीलंका एक स्ट्रॉन्ग किस्म का कम बैक करे और वेस्ट इंडीज़ को वाइट वॉश करे अपने होम टर्फ पे, क्योंकि श्रीलंका के लिए ये बहुत ही अचीवमेंट की बात होगी, क्योंकि श्रीलंका भी एक लो रैंक की टीम और वेस्ट इंडीज़ भी लो रैंक की टीम है। श्रीलंका भी 7 नंबर पे, वेस्ट इंडीज़ 8 नंबर पे, दोनों टीमें बैलेंस है, लेकिन अगर श्रीलंका अपने होम टर्फ में जीतेंगे तो उनके लिए बहुत ही बड़ी जीत की बात होगी, क्योंकि श्रीलंका के भी काफ़ी टूअर्स लो रैंक के गए हैं और वेस्ट इंडीज़ की भी काफ़ी लो रैंक गई है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ भी काफ़ी टाइम से हार रही है और श्रीलंका भी काफ़ी टाइम से हार रही है। तो श्रीलंका अगर ये सीरीज जीतती तो श्रीलंका के लिए काफ़ी बूस्ट अप होगा इनकी टीम के लिए, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी आने वाले, T20 भी आने वाले और इस सीरीज़ में भी T20 2 या 3 T20 भी है। तो श्रीलंका ने आज कमाल कर दिया यार, फील्डिंग भी कमाल की, बॉलिंग भी कमाल की और बैटिंग भी कमाल की। सीरियसली मैंने आज फर्नांडो की बैटिंग देखी ना तो मैं उसका शदाई हो गई यार, उसने क्या सेंसिबल और क्लासिकल बैटिंग की। वो ओपनर था लेकिन उसने आज कमाल की इनिंग्स खेली और कमाल की नॉक खेली। और श्रीलंका की तरफ से आज 2 सेंचुरियाँ बनाई गई, लेकिन वेस्ट इंडीज़ को समझ नहीं आ रही थी वो करे क्या, पोलार्ड को समझ नहीं आ रही थी। पोलार्ड से ने आज बॉलिंग में परफॉर्मेंस हुई, बॉलिंग में उसने एक विकेट ली और बैटिंग में भी उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई। तो होप फॉर द बेस्ट के श्रीलंका फाइट बैक करे और सीरीज़ जो है वाइट वॉश कर दे अपने होम टर्फ पर वेस्ट इंडीज़ को। तो आज की वीडियो में इतना ही, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि मैं आप लोग के लिए डेली क्रिकेट न्यूज़ या क्रिकेट रिव्यू लाता रहूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।